जोरदार वाली कैंपिंग होने वाली है आज की नाइट की हमारी। पूरा वाटरफॉल जमा हुआ है, पूरा फ्रीज हो रखा है देखो। और एक बार का तो ऐसा लगा ऊपर से पत्थर भी गिर जाएंगे। कौन से रास्ते पे गाड़ी चढ़ा दी यार। तो काजा का टेम्परेचर अभी बता रहा है -4 डिग्री और सामने देखिए जी स्नो के पहाड़। सारा गुस्सा इस पे निकाल देना ठीक है। खुशबू आई है हवा के साथ। आपका ध्यान किधर है, रोटी इधर है। इस ट्रिप में ना मेरे को सबसे बेस्ट खाना लगा है आज का। क्या पता क्या हो रहा है इस बार। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वहीं से आपको लेके चल रहे हैं आगे के लिए। लास्ट वीडियो में आपको हमने हमारी मॉर्निंग की कैंपिंग दिखाई थी टाबो में और टाबो मोनेस्ट्री और प्लस वहाँ पे जो 1000 साल पुरानी गुफाएं ऊपर मॉन्क्स की वो भी दिखाई थी। मेरी सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि मैं ऊपर से अभी भागता हुआ आया हूँ, भाई लोग सारे आगे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, लेकर चलते हैं आपको धनकर मॉनेस्ट्री। और ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि रात की हमारी कैंपिंग भैया बहुत जोरदार होने वाली है। तो एक मॉनेस्ट्री प्लस कैंपिंग दोनों कंटेंट आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। मनसा की शक्ल थोड़ी उतरी हुई है क्योंकि मम्मा उसकी चोटी कर रही है और बाल खींचते ना तो रोती है वो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज के वीडियो की स्टार्टिंग। तो आज की यात्रा स्टार्ट करने से पहले बोलो श्री मनसा माता की जय। तो गाइस धनकर मोनेस्ट्री के बारे में आपको बता दूं, वो भी करीब 1000 से 800 साल पुरानी है और वहाँ पर दो मोनेस्ट्री है, अभी फिलहाल बनी है एक नई और एक है पुरानी। तो नई भले आप देखो ना देखो भैया पुरानी मोनेस्ट्री को मिस मत करना और ज्यादा जानकारी मैं आपको वहीं पर चलकर दूंगा। रोड की बात करें तो गाइस रोड सिंगल है लेकिन बहुत ही बढ़िया रोड है, अभी तक तो बढ़िया है। कई कई पर आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करनी पड़ सकती है लेकिन चलेगा। और ये आ गया जी टाबो ब्रिज, काफी बड़ा बना रखा है। एक चीज जो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी है झूले जी, देखिए मतलब रोड पर भी झाड़ू निकलती रहती है और यहाँ पर ही नहीं, ये नहीं कि सिटी के यहाँ पर, मतलब बीच रोड पर जहाँ पे कोई इंसान ही था ना वहाँ पर भी झाड़ू निकलती है यार रोड पर। देखिए आप कितनी अच्छी चीज है। टाबो से काजा के बीच में जो मैंने देखा है ना, मतलब आपको एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज देखने को मिलेगी। एक मतलब ऐसे ऐसे विलेज आएंगे जिनकी पॉपुलेशन 20, 30, 40 या कुल 5 घर की पॉपुलेशन और अपने आप में वो विलेज है, बकायदा उनका अलग अलग नाम है। जैसे अभी एक कृति विलेज आया था उसकी पॉपुलेशन लिखी हुई थी 30। अभी मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा, आगे भी एक विलेज आने वाला है उसकी भी आपको पॉपुलेशन दिखाता हूँ कितनी सी है। अब ये देखो आप, ये है नदांग विलेज, जनसंख्या 30। थोड़ा सा और जूम करके बताता हूँ, ये देखो नदांग विलेज जनसंख्या 30 और विलेज का है वो केवल 4-5 घर आपको सामने दिख रहे हैं पुल के ऊपर, बस वो पूरा विलेज है। बताओ हमारा तो साला अगर पूरा परिवार इकट्ठा कर दे ना एक जगह तो जिला घोषित कर दे उसको, इस हिसाब से 100-150 जनों का तो पूरा हमारा परिवार परिवार ही है। अगर चाचा मामा ताऊ और सबको इकट्ठा कर देना तो 150-200 जनों का जाता है क्यों चिक्की। और यहाँ पे 30 जनों में पूरा गाँव बस गया। बताओ भैया हमें हमारा जिला घोषित करवाना है भैया। तो चलिए फिलहाल हमें नदांग विलेज नहीं जाना, हमें काजा वाले रूट पर जाना है और दिखाते हैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे नजारे। इस बार गाइस स्पीति ऐसा एक्सप्लोर करेंगे ना मजा आ जाएगा। आपको कभी भी अगर स्पीति आने का मन हो ना सीधा हमारी सीरीज उठा के ऑन कर लेना और सारी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। भाई ये तो मूवी वाला सीन हो गया है, शानदार वाला शानदार। ये देखिए आप, अब देखिए मतलब उधर से बर्फ के पहाड़ से नजर हटा के इस वाले पहाड़ों पर लाइए, इतने हजारों साल पुरानी प्रकृति की जो कलाकारी है ना वो देखने को मिलेगी आपको। कैसे कटिंग करी होगी इन पहाड़ों की, मतलब अपने आप हवा पानी से हुई है ये। देखिए यहाँ पे पहाड़ों की आकृति मतलब कैसे बनी होगी यार, ये देखिए। नहीं बेटा कैसल नहीं, हमारी मनसा तो बोल रही है कोई कैसल है क्या, मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है ना ऊपर की तरफ देखो इनका पूरा गुंबद भी बना हुआ है, पता नहीं कैसा कैसा क्या, पता नहीं कैसे बना होगा यार। तो गाइस देखिए यहाँ के रोड के बीच के अंदर गुफा है और उसी के अंदर हमने गाड़ी लगाई है। और इधर देखिए जी स्पीति रिवर बहुत ही तेज बहाव है यहाँ पर और वो अपना भाई भी आ गए वापस वीरेंद्र भाई। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आगे। अब देखिए नजारा कितना विशाल पहाड़ है और पूरा बर्फ से व्हाइट हो रखा है, ठंड का लेवल भैया और बढ़ने वाला है। आज शाम को मजा आएगा कैंपिंग में, उम्मीद है हमें कल के मुताबिक मौसम मिल जाएगा। अब
अब जाके गाइस थोड़ा खुला खुला मैदान आया है और मेरे हिसाब से वो जगह भी आने वाली जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी लास्ट टाइम जब हम आए थे ना। तो ये देखिए कुदरत की कलाकारी, मतलब कैसे बने होंगे यार ये पूरे, मतलब सैंडस्टोन होता है ना, मतलब ना तो रेत है ना पत्थर है, बहुत ही कच्चे हैं, लेकिन सच में यार ऐसा लग रहा है कोई अंतरिक्ष में, मतलब कोई दूसरे ग्रह पर आ गए। तो ये नज़ारा आपको लद्दाख और स्पीति के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलने वाले भैया। देखो पहाड़ों की आप मतलब एकदम से डिजाइन देखिए, मेरे जो राइट हैंड साइड पर है ना, कितना मतलब अजीब सा लग रहा है, अलग सा है। और नीचे हमारे बह रही है स्पीति रिवर। फाइनली जो अब गाँव आया है वो है शिचलिंग। आप अगर फास्ट उसमें पढ़ोगे ना तो आपको शिवलिंग पढ़ने में आएगा एक बार का, लेकिन वो है शिचलिंग और काफी छोटा सा गांव है। और अगेन वही वर्ड, खूबसूरत भी, मतलब ये जो घरों की डिजाइन है ना, आपको एक जैसे घर दिखेंगे, एक जैसा कलर दिखेगा, व्हाइट के ऊपर ये ब्राउन कलर की ये पट्टी और फ्लैग वगैरह भी एक जैसे दिखेंगे आपको, मतलब पहचानना भारी पड़ जाएगा भैया कौन सा किसका घर है। तो गाइस देखिए सीधा जाएंगे तो काजा आ जाएगा, और अब फिलहाल हमें जाना है राइट हैंड साइड पे और काफी खूबसूरत है, वेलकम टू धनकर गोम्पा। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, गोम्पा सुन के आप कंफ्यूज मत होना, जो मोनेस्ट्री होती है उन्हीं को गोम्पा भी बोलते हैं। यहाँ पर गेट में एंटर होते हैं थोड़ी सी देर का तो भैया ऐसा रास्ता आया, मतलब भैया ऐसा ऊपर तक रास्ता हुआ तो बैंड बज जाएगी, लेकिन वहां पर हमें देख लीजिए अच्छा रोड मिल गया है और काफी हाइट पर है गाइस, ये दिखाऊंगा आपको, देखने लायक जगह है। और मेरे साइड वाले पहाड़ों का कलर देखिए अगेन एकदम येलो, मतलब मटमैला मुल्तानी मिट्टी होती है ना सेम वैसा कलर है गाइस। तो गाइस देखिए ऊपर ऊपर पहाड़ी पर धनकर मोनेस्ट्री का पहला व्यू, भाई देखो तो सही आप किस जगह जाकर बनाई है और कितने हजारों साल पुरानी होगी, चलिए देख के दिखाते हैं आपको। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं धनकर विलेज, और वही विलेज के नाम पर यहाँ पे 50-60 घर दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर आने के बाद एक आपको सबसे पहले तो ये जो येलो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है न्यू मोनेस्ट्री, लेकिन हमें फिलहाल एक्सप्लोर करनी है ओल्ड मोनेस्ट्री, मेरी तो देखी हुई है, चिक्की और बच्चों को दिखाना है। और ये आ गया जी मोनेस्ट्री का मेन गेट, मेन गेट बहुत खूबसूरत बने हुए रहते हैं, क्या बात है। यहाँ पर तो हुलिया चेंज हो गया, ये न्यू मोनेस्ट्री है, तो अपने को चलना है ऊपर की तरफ ओल्ड मोनेस्ट्री में। अब देखिए गाइस सामने का लैंडस्केप यार गजब, देख चिक्की कैसे बना होगा यार, बहुत ही गजब। गाइस या तो हम बहुत जल्दी ऊपर की तरफ चढ़ गए, मेरा तो चिक्की थोड़ा सर भारी हो गया है, मतलब यार इतनी प्रॉब्लम हमें कभी नहीं हुई, मतलब मैं पिछले बार भी स्पीति आया था एक बार ही ऐसी दिक्कत हुई थी, और लद्दाख में तो नहीं हुई थी बिल्कुल भी, क्या पता क्या हो रहा है इस बार। मैं इतनी देर से धनकर धनकर कर रहा हूँ, एक्चुअल नेम इसका धनकर विलेज है। और इसी के साथ ही देखिए जी ये है पुरानी मोनेस्ट्री, तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। कहाँ कहाँ घूमोगे आप लोग? तो चलिए जी अब आपको दिखाते हैं धनकर मोनेस्ट्री, वैसे कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, जहां तक होगा वहीं तक ही दिखा पाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करके आ जाएंगे। सीढ़ियाँ बहुत खतरनाक है, उसी जमाने की है, और यहाँ पर शायद अभी बंद कर रखा है। एक टिप है गाइस, सर झुका के जाना, मेरा दो बार फूट चुका है, मतलब देखने लायक चीज है। मोनेस्ट्रीज तो मेन है भाई, लद्दाख जाओ या स्पीति जाओ।
तो गाइस चितकुल से लेके अभी तक हमारी जगह के मामले में तो किस्मत बुलंद चल रही है भैया। वहाँ पे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा स्नोफॉल के अंदर हमने खाया था और चाय वगैरह भी पीते आपको दिखाई थी। और पीछे देखिए ढंकर विलेज का पूरा शानदार व्यू, बालकनी वाली जगह मिल रही है हमें। और जस्ट पीछे हमारे है मोनेस्ट्री। तो भैया अब लगी है सबको तगड़ी वाली भूख, और भूख के नाम पर यहाँ पर चलता है केवल दाल चावल। भैया राष्ट्रीय डिश घोषित कर देना चाहिए दाल चावल को शाकाहारियों के लिए। तो चलिए जी फटाफट लंच करते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं आज की कैंपिंग लोकेशन पर। और हमारा शिवाय देखो आज चश्मा लगाने के बाद इतरा रहा, जो रेड टोपा और लगा लिया इसने। भैया आज तो हीरो लग रहा है तू। गाइस सर्दी का लेवल देखो, सामने से जो नाला आता है ना आपको दिख रहा होगा वो तक जमा हुआ है। मतलब अभी धूप तेज है, इतनी सर्दी फील नहीं हो रही, लेकिन रात को तो भैया तगड़ा माइनस में जाता है। प्लेट दो चपाती लगा दी, ओनियन भी दे दिया। एक प्लेट दाल चावल और लिया, एक और जी। हाँ दाल चावल ओनली। गाइज ऊपर आपको एक रूम जैसा कुछ दिख रहा होगा, और ये जो रास्ता दिख रहा है ना यहाँ पर, तो यही राजा का महल कहलाता है। ये अभी अच्छे से मेंटेन नहीं है, मतलब एकदम खंडर जैसा हो चुका है। ये देखो मैं दूर से दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा ये वाला। और नहीं मेरी अभी इतनी हिम्मत है कि मैं ऊपर जाके आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ से पूरा स्पीति का भैया पूरा 360 व्यू दिखता है। कहते हैं जो राजा थे वो यहीं से अपनी पूरी प्रजा को मतलब देखते थे, पूरा स्पीति उनको नजर आता था, और इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। लास्ट ईयर भी हम लोग एक ही टाइम पर स्पीति आए थे, करीब जून के आसपास, जून या मई में आए थे आप लोग। अपने व्लॉग आसपास ही चल रहे थे। अरे क्या बात है, क्या भाई बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हो यार आप। थैंक यू। हम लोग अजमेर राजस्थान से। अरे भाई क्या बात है, चलो आज मिलना हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे। तो चलिए गाइस लंच वगैरह हो गया। लंच में सच बात बोलो तो मजा नहीं आया भाई, नीचे ही खाकर आ जाना, और महंगा भी बहुत ज्यादा है नीचे से, और किसी को भी मजा नहीं आया। ठीक है भूख लग रही थी तो हमने ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ से चलते हैं सीधा, आज हमारी कैंपिंग लोकेशन ढूंढनी है। वैसे एक दो जगह बात की हुई है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से काजा। और ये ऊपर वाला कोई नया रास्ता है देखिए मेरे पीछे वाला, तो ये मुझे नहीं पता भैया, ये सुनील भैया और दीपक भैया जानते हैं, तो हम इनके पीछे पीछे चलते हैं काजा तक। गाइस देखिए सामने पहाड़ों को बिल्कुल, जो इतनी दूर से दिख रहा था ना, अब उनके नीचे से निकलने वाले हैं हम। मतलब कैसे बना होगा यार ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई कौन से रास्ते पे गाड़ी चढ़ा दी यार। भाई साहब ये तो तगड़ा ही एडवेंचर करा दिया दीपक भाई ने, पूरा ऑफ रोड पड़ा है गाइस, पूरा ऑफ रोड, रोड नाम की कोई चीज नहीं है, और एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई है हमारे। गाइस अभी जो हमने आपको ढंकर विलेज दिखाया था, मोनेस्ट्री दिखाई थी, और ऊपर राजा का महल मतलब नीचे से दिखाया था, तो वहां पर अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन है तो थोड़ा सा ट्रैक करके, ढंकर लेक भी है काफी हाइट पर है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था और हमें लेक देखनी भी नहीं थी, इसलिए हम वहां पर गए नहीं, क्योंकि हम आगे फिर काजा के लिए हमारी कैंपिंग लोकेशन के लिए लेट हो जाते हैं। अब जाकर हम लोग आए हैं मेन रोड पर। भाई धन्य है धन्य है, ये लास्ट की एक दो किलोमीटर की रोड थोड़ी पक्की थी, बाकी तो बहुत ही खतरनाक। और ये देखे जी गाइस झरना, इस झरने का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा फ्रीज है भाई, पूरा फ्रीज। इतनी बर्फीली हवा चल रही है ना अभी इस जगह, क्या बताऊं आपको, पूरा वाटरफॉल जमा हुआ है, पूरा फ्रीज हो रखा है। देखो वहाँ पे खड़े रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और एक बार का तो ऐसा लगा ऊपर से पत्थर भी गिर जाएंगे, तो फटाफट भाग कर आए हम लोग यहाँ से। तो चलिए जी फ्रोजन वाटरफॉल ने तो हमें जमा दिया भाई, वहाँ पे 5 मिनट खड़े रहना, 5 मिनट में भी ऐसी हालत खराब हो गई है सच में। अभी जो आया है वो लिंगती विलेज है, लिंगती, और शायद उस वाटरफॉल का नाम लिंगती वाटरफॉल ही था, आप एक बार यूट्यूब पर सर्च मारना भैया। तो आपको जो रिवर का किनारा दिख रहा है ना, वहीं पर हमने कैंपिंग की थी भाई, बहुत शानदार वाला अनुभव था, बहुत शानदार वाला, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। गाइस सामने देखिए जो ब्रिज दिख रहा है, और ब्रिज के बाद जो गेट दिख रहा है ना, वो है पिन वैली का रास्ता, मैं पहले गलत बोल गया था आपको। ये देखिए पिन वैली का बोर्ड लग रखा है यहाँ पर, और ये अभ्यारण भी है, मतलब करीब 34 किलोमीटर है भाई। उम्मीद है काजा का हमारा कैंपिंग का, अब देखते हैं क्या है मौसम की कंडीशन। मुझे तो अंदर से अभी से वायु आ रही है भैया, जोरदार वाली कैंपिंग होने वाली है आज की नाइट की हमारी। काजा ना हमारा तो अभी से ही वसूल हो गया, जो नजारे देखने को मिल रहे हैं ना भाई साहब। तो गाइस काजा से 6 से 7 किलोमीटर पहले आपको ये होमस्टे दिखेगा, डोलकर होमस्टे, और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये भाई साहब, क्या नाम आपका? शेवान जी मिलेंगे, और उन्होंने सच बता रहा हूँ भाई, इनसे 5 मिनट में ऐसा रिश्ता बन गया, इन्होंने किसी भी चीज के लिए मना नहीं करा हमें। इन्होंने बोला भैया कैंपिंग करनी है, सामने ग्राउंड पड़ा है, पीछे स्नो के माउंटेन है, और साथ में बोला ठंड लगे तो मैं 2 रूम भी खोल सकता हूँ। तो भाई साहब हमारी तरफ से 100% रिकमेंड है। तो गाड़ी लगाते हैं जी, वो तो बोल रहे थे कहीं पर भी लगा लो, पार्किंग में वाला नहीं यार, पार्किंग में वो कैंपिंग वाला फील नहीं आएगा। पीछे खेतों में उनकी गाड़ी लेके जा रहे हैं, और पीछे पूरा स्नो का माउंटेन रहेगा। भाई साहब चिक्की व्यू देख सामने का, इस पहाड़ के नीचे करने वाले भैया अच्छी कैंपिंग, मजा आ जाएगा। यहाँ पे हमने हमारी गाड़ी लगाई है, पीछे है स्नो का माउंटेन। काजा है यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर पर, काजा क्या है भाई काफी कॉमर्शियल है, और वहां पे अपने को जगह नहीं मिल पाती। क्यों? कैंपिंग की जगह तो नहीं मिल पाती जहां तक मुझे लग रहा था। हाँ तो क्या बोलते हो दीपक भाई, मजा आ गया, आनंद आ गया? आनंद। तो कैंपिंग के लिए भी इन्होंने हमें जगह अवेलेबल करा दी है, और 2 रूम भी दे दिए।
बोले भाई अगर रात को ठंड वगैरह ज्यादा लगती है बच्चों के साथ तो आप रूम में भी जा सकते हो, तो देख लेंगे जैसा जो कंफर्ट का फील होगा। बाकी हम तो भैया कैंपिंग करने आए, तो जहां तक है कैंपिंग का ही सीन रहेगा। डिनर की बात ऐसी है, सब मिल बांट कर अभी कम्युनिटी में बना लेंगे, मतलब एक साथ मिल बांट के कुछ ना कुछ बना लेंगे भाई, क्योंकि अभी आप लेट ही खाया, धनकर मोनेस्ट्री से आ रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रही है भैया, रात की कैंपिंग का नजारा कल से भी बढ़िया होने वाला है। तो ये भैया जी का खेत है, भैया जी क्या बा रखा है आपने, क्या बुआई कर रखी है यहाँ पर? अभी तो नहीं, इसमें मटर बिछाते हैं। अच्छा मटर, यहाँ पे देखो कितना छोटा सा गाय का बच्चा, 10-12 दिन का है ना भैया ये। हाँ चिक्की मैडम, मिल गई आपकी मनपसंद जगह। ये कब से बोल रही थी यार स्नो माउंटेन के बिल्कुल पास में लेके चल जाओ, और ये देख ले बिल्कुल नीचे लेकर आ गया स्नो माउंटेन के। क्या बोला? क्या पता क्या बोल रहा हमारे शिवाय, बोलो पापा। अच्छा धूप है, अंदर ही रहो फिर, धूप है तो। पर देखो फ्रेश स्नो पड़ी है, बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब फ्रेश है। भाई लोगों आज का मेनू सोच लिया मैंने, आलू प्याज की चकाचक राजस्थानी स्टाइल की सब्जी, चकाचक ये मेरा वर्ड है, चकाचक जा लग जाता ना। क्या प्लान किया भाई? आलू प्याज की चकाचक सब्जी और साटा रोटी बनती है ना अपने राजस्थान में, मस्त घी वगैरह डाल के चूर के खाएंगे मस्त। हाँ बाजरे की नहीं, आटे की बनेगी पर घी फूल डालता है, थोड़ी अजवाइन डाल के बनती है ना, चूर में के लिए आलू प्याज टिक्कर टाइप समझ लो कहने का मतलब। डन 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 भाई। पकड़ो। और यहाँ पे आती है देखो, बच्चों को ऐसी खुली खुली जगह मिल जाती है ना। अब देखो गाइस यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं है, ये कितना भी घूमे फिरे कूदे फांदे, मतलब खाई के वहां पे थोड़ी रिस्क रहती है। अभी यहाँ का मतलब काजा में ही है हम, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फर्क होगा। तो काजा का टेम्परेचर अभी बता रहा है -4 डिग्री, और सामने देखिए जी स्नो के पहाड़, और रात को होने वाला है भैया ये कम से कम भी मानो तो ये -11 से -12 डिग्री। ये देखिए फीस लाइक मतलब 4 डिग्री है लेकिन -7 डिग्री के बराबर ये हो रहा है। और ये भैया जी हमारे लिए लिया है भैया गर्मा गर्म चाय, आने दो भैया आने दो। टमाटर 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 सब मिल बांट के भैया सबका प्यार बनने वाला है। टमाटर भाई दे रहे हैं, आलू प्याज हम दे रहे हैं, और स्प्रिंग ऑनियन दीपक भाई। तो भैया यहाँ पर आज हमारी बॉयज गैंग का कम्युनिटी किचन चालू हो चुका है, जिन्होंने आज तक नहीं भी बनाया वो भी आज बनाने वाले हैं। वीरेंद्र भाई से भी अब काम कराएंगे, क्यों भाई? फुल ट्रेंड करके भेज देंगे। भाभी भी सोचे कि भैया किन की संगत, वो फोन करके बोलेंगे भैया धन्य हो आप, पहले क्यों नहीं मिले। और फिर आप तो ये सिखा दोगे मेरे को, हाँ। वहाँ पे जाके फिर घर पे मेरे से कराएंगे तो बढ़िया बात है ना, करना चाहिए ना। भाभी जी पता क्या बोलेंगे, ऐसे दोस्त इनको पहले क्यों नहीं मिले। मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बनने वाले जी भैया चकाचक आलू प्याज की सब्जी, और साथ में साटा रोटी मस्त एकदम घी चूर चूर के खाएंगे भाई आज देसी स्टाइल में। आज इधर हमने पहले ही गर्म पानी लगा दिया जी, ताकि क्या है हाथ वाथ धोना करना, कुछ भी धोना करना है ना, उससे काम हो जाएगा। सुनील भैया काम करते कितने अच्छे लगते हैं ना, और यहाँ अपने काम कर दिए, प्याज 3 बचे हुए हैं, टमाटर भी है भाई। ना, प्याज की जिम्मेवारी थी। ये तो भैया उंगली पकड़ते गर्दन पकड़ रहे आदमी की, ये गलत बात है। कौन तुम? तो एकदम यार पूरा आज आयो हिमाचली लुक में। शुक्रिया। और भैया इधर चिक्की जी ने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया है, आज जितना भी गुस्सा तेरे को मेरे पे आया ना सारा गुस्सा इस पे निकाल देना, ठीक है? रात तक मत रखना वो गुस्सा, ठीक है चिक्की? गाइस भैया ने अभी से पानी भर के रख दिया है सुबह के लिए, नहाने धोने के लिए, मतलब गर्म करके दे देंगे, क्योंकि टंकियों के ऊपर पानी जम जाता है भैया, नलों में पानी नहीं आता, इसलिए सारा पानी ऐसे भर के रखना पड़ता है। सुबह अगर जल्दी उठ गया तो दिखाऊंगा आपको, ये पूरा पानी आपको जमा हुआ दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें गया लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है जी। चिक्की मैडम कितना अच्छा लगता है ना कि आपको तैयारी करी भी मिल जाए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता और केवल बनाने का रहे। और ये गए जी इसके अंदर प्याज, भाई ऐसा आनंद नहीं आना, मुझे पता है तेरे को सर्दी तो लग रही है अभी। सबको लग रही है, लेकिन भाई साहब इस लोकेशन पे अगर आप लोगों ने बना के नहीं खाया तो क्या खाया भाई साहब, देखो पीछे। तो इधर गाड़ी में बैठे दोनों चुन्नू मुन्नू हमारे, मोबाइल देख रहे हैं, कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो इतनी सर्दी में शांति में रहने चाहिए, तो बिल्कुल लग्जरी उसमें मोड में भी है।
तो फाइनली हमारा खाओ पियो ऐश करो की याद आ गई है, क्योंकि हवा चलनी तेज हो गई है भैया, इसके बिना क्या फिर काम होता नहीं है। तो गाइज यही फायदा होता है कैंपर वैन, मिनी कैंपर वैन, कुछ भी बोलो आप इस टाइप की गाड़ी बनाने का। भाई अगर आपको कुकिंग का शौक है, आप लोग वीडियो देख के आप लोगों को लगता होगा कि यार ये झमेले भी साथ लेके कौन चलता है क्या चलता है। देखिए सबका अपना अपना शौक है। हम यहाँ पर अभी प्रॉपर ओवरलैंडिंग मोड के अंदर है, और असली जो ओवरलैंडिंग का मजा है ना भाई, ऐसी अगर आपको लोकेशन मिल जाती है, मैं बता रहा हूँ 5-स्टार होटल का भी मजा फीका है। ये मैं आप लोगों का मन रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपना सच्चा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी हमने यहाँ पर बाहर खाया ना, ले देके एक ही ऑप्शन है भैया, दाल चावल आलू का पराठा, दाल चावल मैगी आलू का पराठा। यार कितना खाया आदमी यहाँ पे। आज जो हम खाना, हमने लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कितना शानदार चकाचक बना के खाया था, आज वैसा का वैसा आराम से चकाचक बना के खाएंगे, एंजॉय करेंगे, चिल मारेंगे 10-11 बजे तक और आराम से सो जाएंगे। तो भैया आलू डालने के बाद इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन। भैया आज तो सब मिक्सर बनने वाला है चिक्की क्यों, और इसको अवॉइड करना, ये हमारे शिवाय बाबू की करामात है। नए के नए टोपे में कैची मार दी, कोई बात नहीं, फेंकना तो है नहीं, काम आता है। भैया मसाला देख के तो लग रहा है ये सुबह याद करेंगे सब आपको। मैंने बोला है। नहीं ये सब्जी तो गाइस क्या है, स्पाइसी ही अच्छी लगती है मस्त एकदम, क्योंकि चूर के खाते है ना रोटी के साथ, तो बढ़िया एकदम। और वो खूब सारे उधर टमाटर मुझे दिख रहे हैं, वो भी डालेंगे इसके अंदर। तो भैया इधर हमारी सब्जी तैयार है चकाचक, प्रेशर निकल रहा है उसका, ठंडा हो रहा है। और इधर क्या ढूंढ रहे हो जी आप, रेडी हो गया खाना, चकला बेलन, तो अब रोटी बनाने की तैयारी। अच्छा बनते बनते खाएंगे गर्मा गर्म, भाई मजा उसी का है। और घी देखो कितना ठसके पत्थर की तरह हो गया, चिक्की चम्मच ही मुड़ गया निकालते निकालते। तो देखिए जी ये होती है साटा रोटी, इसमें कम से कम 4-5 लेयर ये घी के लगा के, और थोड़ी अजवाइन मिला दी, अच्छा आटे में मिला दी थी पहले, तो पचने करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मस्त एकदम। और इसमें चूर चूर के खाएंगे आज तो। तो गाइस देखिए जो हमने किन्नौर गेट के वहाँ पे सिड्डू के साथ जो लोकल घी खाया था ना भाई, हमें भैया के यहाँ पर मिल गया है, और ये खुद ही बनाते हैं ये, और खुशबू वगैरह सब सेम है, तो मैंने यहाँ से 1 किलो घी भी लिया है भाई। तो यहाँ पर हो गया जी सर्दी का जुगाड़, और सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। भैया भाई खुशबू आई है हवा के साथ, और मस्त एकदम चकाचक सब्जी बन गई है, और ये गई जी थाली के अंदर। मजा आ गया भाई चिक्की, मजा आ गया। और ये इस पे एक्स्ट्रा घी की लेयर लाइए जी, रुकिए हम आपको बताते हैं। अच्छा चूर चूर नान बना दीजिए, चूर चूर नान सही है, लाइए जी। इस पे किसका नाम लिखा है, बच्चों का चेरी। बेटा खाना आ गया, जल्दी से गाड़ी के अंदर ही खा लो आज। तो भैया यहाँ पर प्लान में चेंज आ गया है, और ये देखे जी इतनी देर पहले क्यों नहीं अपने में दिमाग आया। सबसे पहली प्लेट लगी जी दीपक भाई की, और गर्मा गर्म सब्जी का धुआं यहाँ तक खुशबू आ रही है। कॉमन है ठीक है, कोई बात नहीं, मिल बांट के खाओ, प्यार बढ़ेगा। देख के लग रहा है कि बहुत टेस्टी बनी है, नहीं अच्छी है सच में। और इधर जिम्मा अपने हमेशा की तरह सुनील भैया का, ये मना कर देते हैं पर दिल के इतने बुरे नहीं है, स्टंट मार रहे हैं पर स्टंट भारी नहीं पड़ जाए भाई साहब। भाई साहब हमने 200 रोटियां सेकी। अच्छा ये है भाई आनंद की सीमा, गर्मा गर्म रोटियां भी सिक रही है बीच में, और इधर होम डिलीवरी क्यों। अरे वाह खा के बताओ भाई कैसी है, मजेदार मस्त, ऐसा आनंद ढाबे पर नहीं आता अपने को यहाँ पर। अभी ये लग गया जी वीरेंद्र भाई की प्लेट, लो भाई जी लेट मत करो, ठंडा होने के बाद इतना मजा नहीं आएगा, दोनों हाथों से पकड़ो, दोनों हाथों से बस। सुनील भैया हमारी चपाती लो भाई, ये आपकी। और ये लग गई जी हमारी प्लेट, इस पे लगाओ घी थोड़ा, ये आ गया जी इस पे देसी घी घर का बना हुआ, और दोनों बच्चों को चिक्की अंदर ही खिला रही है आज। हाजी चिक्की जी मजा आ गया भाई, आनंद गाइस आपकी फेवरेट चीज खाने में, मतलब मेरी आलू प्याज की सब्जी बहुत फेवरेट है, और ऐसे बर्फ की वादियों में -7 या 8 डिग्री हो गया होगा भाई अभी, अभी हो गया -9। हाँ अपन लोग मजबूत हो गए आज 7-8 दिन क्या? स्पिति में रह गए, हम रेगुलर ट्रेवल कर रहे तो हैबिचुअल हो चुके हैं, -9 में पॉसिबल नहीं है ऐसे खुले में सर्वाइव करना। मतलब इस ट्रिप में ना मेरे को सबसे बेस्ट खाना लगा है आज का। चलो बढ़िया है, घर जैसी फीलिंग आ गई कुल मिला के। हाजी मैडम गर्मा गर्म रोटी तैयार है। आई गई सर। आपका ध्यान किधर है, रोटी इधर है। तो भैया आप थोड़ी हम सेवा कर रहे हैं हमारी मैडम की, सबको इतना बढ़िया खाना खिलाया आज आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया भाई सबको, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सच में यार ये आनंद मतलब जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, जब मिले ना तब जी लो उसको, इसको आनंद नहीं परमानंद बोलते, परमानंद आनंद परमानंद। तो चलिए गाइस आज की कैंपिंग भी, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल जैसी आज की कैंपिंग चल जाएगी हमारी, लेकिन भाई मजा आ गया, थैंक्स टू चिक्की, आज का क्रेडिट जाता है 80% चिक्की को, 20% हम सब में बांट लेंगे। तो भैया मजा आ गया चकाचक खा के, आलू प्याज की सब्जी और टिक्कड़, देखिए यही मजा है कैंपिंग का, ओवरलैंडिंग का। तो सब अपनी अपनी गाड़ियों में घुस जाएंगे थोड़ी देर बाद,
और थोड़ी देर बाद हमारा पर्सनल माहौल बनाएंगे, हम हमारा हाथ पांव थप के सुख दुख की बातें करेंगे और सो जाएंगे, कल का कल देखेंगे। तो इस व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को हमारे सारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। हमें और भाई लोगों को सबको सपोर्ट करते रहना भाई, मोटिवेशन करते रहना, तो आगे इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, ये हमेशा चिक्की याद दिलाती है भैया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया हो तो। और मिलते हैं जल्दी आपसे नए व्लॉग में। थैंक यू।